में बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश किसानों और बागबानों के लिए संजीवनी सिद्ध हुई है। लोगों का मानना है कि काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे किसानों को अपनी फसलों में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन अब होने वाली बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कुल्लू में पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। बारिश होने से किसानों और बागवानों के चेहरों पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी समय बाद बारिश हुई है। बारिश न होने से खेतों में सूखा पड़ा हुआ था, जिससे अब किसानों को राहत मिल चुकी है और कुल्लू वासी भी बारिश का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि बारिश किसानों व बागवानों के लिए संजीवनी साबित हुई है और सभी लोग बारिश का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश होने से चारों ओर हरियाली देखने को मिल रही है, वहीं फसलों को भी संजीवनी रूपी अमृत की प्राप्ति हुई है। देवभूमि कुल्लू में पिछले 2-3 दिन से दोपहर के बाद जो लगातार बारिश हो रही है, इससे जो है चारों तरफ हरियाली भी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो किसानों को एक उम्मीद थी, तो उस कारण जो है फसल का भी इस बार जो है एक अच्छा फसल के लिए अच्छा प्रभाव पड़ रहा है इस बारिश की वजह से। कुल्लू में 3-4 दिनों में यहाँ बारिश हो रही है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को भी फायदा हो रहा है। सेब नाशपाती के लिए सब किसान भाइयों के लिए फायदा हो रहा है और टूरिस्ट के लिए बहुत फायदा हो रहा है। हर जगह मतलब जो टूरिस्ट आने के लिए वो कोई आ रहे हैं, जो हरियाली के लिए मतलब उनके लिए भी देखने के लिए बहुत अच्छा है। इससे पल्लम सेब नाशपाती को भी बहुत अच्छा लाभ हो रहा है बारिश से। और जैसे कि हमारे जो और जैसे ये खुरमानी वगैरह और ये कई किस्में हैं, इसमें बहुत अच्छा लाभ हो रहा है बारिश के कारण। आपको बता दें कि कुल्लू में बारिश होने से जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं फसलों को संजीवनी भी मिली है। के चैनल के लिए कुल्लू से लोकेश ठाकुर की रिपोर्ट।